हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास। पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम, भले ही इकोनॉमिक्स का सिलेबस काफ़ी बड़ा लग रहा हो, लेकिन कैसे हम उसको स्प्लिट करके टेक्निकली पढ़ सकते हैं ताकि हमारी रणनीति में हम उसको अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करके सिंपली टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ें और उससे इतना बड़ा सिलेबस ब्रेक डाउन होकर ईजिली कंट्रोल करने लायक हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा पीटी का जो थोड़ा बहुत टॉपिक्स रहता है, जो छोटी छोटी फैक्ट्स होती हैं जहाँ पे हम मिस कर जाते हैं, वो भी हम इनके साथ पढ़ेंगे। ऑल्सो जैसे 6 JPSC में देखा गया था कि शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे, दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे जहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछा गया था और वो जो डेफिनेशंस पूछी गई थी वो एक्चुअली मेन टॉपिक के ही पार्ट्स या उनसे जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स थे। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं आपको ये टॉपिक्स मेजरली पढ़ाऊँ, साथ ही साथ बीच बीच में मैं ऐसी कुछ चीज़ों की का चर्चा या उल्लेख करती जाऊँ जिससे आपको आगे चलकर उन शॉर्ट क्वेश्चंस की भी तैयारी होती जाए और लास्ट में जब हम रिविजन करें तब तक आप टोटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि हमने इस पूरे इकोनॉमिक्स के चैप्टर को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया था, 32 चैप्टर्स टोटली हो रहे थे और 32 चैप्टर्स को हमने पार्ट ए बी सी एंड डी में ब्रॉडली डिवाइड किया था और फिर उन चार ग्रुप्स जो हैं उसमें से बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और झारखंड इकोनॉमिक्स था। आगे बढ़ते हैं वहाँ से जहाँ हमने उन चार पार्ट्स को भी डिसॉल्व कर दिया। तो वो चार पार्ट्स और 32 चैप्टर्स जो हैं, जो बेसिकली आपके इकोनॉमिक्स सिलेबस का बेसिक फ्रेमवर्क है, उसको हमने फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक एक करके इन पार्ट्स को देखते हैं, मैं आपको बताती चलूंगी कि एक एक हर एक पार्ट में हम क्या क्या कवर करेंगे ताकि आपको भी पता रहे कि इन सब में आपके लिए क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट 1 होगा बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अंदर हम 3 चैप्टर्स पढ़ेंगे। 3 चैप्टर्स में फर्स्ट होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग, उससे पहले हम ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी करेंगे, इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, टूल्स यूज्ड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। इसमें हम 13th और 14th फाइनेंशियल रिफॉर्म्स भी पढ़ेंगे, कमीशन्स ने क्या रिकमेंडेशन दी थी वो भी पढ़ेंगे, मर्जर ऑफ बैंक्स, सार्फेसी एक्ट, ये जो भी रिफॉर्म्स हुई हैं बैंकिंग सेक्टर में वो सब हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है पब्लिक फाइनेंस एंड बजट। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं। अगेन यहाँ पर बहुत से हम में से लोग पब्लिक फाइनेंस और बजट को मिक्सअप कर लेते हैं। ऑफ कोर्स बजट एक तरह का पब्लिक फाइनेंस का स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये सिर्फ उतने में सीमित नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 पार्ट्स में ये अलग अलग करके पढ़ाऊंगी। पब्लिक फाइनेंस हम अलग से पढ़ेंगे और बजट अलग से। जब हम बजट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बजट में बजट की ओरिजिन, कहाँ से बजट की शुरुआत हुई, कैसे उसने एक शेप लिया, ये गवर्नमेंट के एनुअल स्टेटमेंट बनने तक का सफर और टाइप्स ऑफ बजट्स, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ बजट्स हैं, अलग अलग इकोनॉमीज जो हैं वो अलग अलग तरह की बजट्स बनाती हैं। इकोनॉमी में हर तरह के बजट का एक अलग इम्पॉर्टेंस है। अलग अलग सेक्टर्स या एप्लीकेशंस में अलग अलग तरीके के बजट्स से डेटा लिया जाता है और उनको यूज किया जाता है। ये सब हम टाइप्स ऑफ बजट्स में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन, प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग करते वक्त क्या उसकी मूलभूत प्रिंसिपल्स होती हैं, वो क्या नैतिक और बेसिक मूल्य होते हैं जिनको हमेशा फॉलो किया जाता है बजट बनाते वक्त, वो हम प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग में पढ़ेंगे। इसी में आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टिपिकल बजट भी बता दूंगी। ये बजट का पार्ट है। पब्लिक फाइनेंस में मूव करेंगे। पब्लिक फाइनेंस में हम देखेंगे कि पब्लिक फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या उनकी कंपोनेंट्स हैं और मेनली हम सिलेबस के हिसाब से पब्लिक फाइनेंस में टैक्सेस,
लोन्स और ग्रांट्स पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको बताती जाऊंगी टैक्सेस, उनकी टाइप्स क्या है, लोन्स उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रांट्स उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और ये दोनों लोन्स और ग्रांट्स एक दूसरे से अलग कैसे हैं। तो टैक्सेस में हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस भी पढ़ेंगे। अगेन ये एक बहुत टिपिकल टॉपिक है जिसमें, जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि एक टॉपिक होता है उसके कई छोटे 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 सब टॉपिक्स होते हैं, ये टैक्सेस एक ऐसा ही टिपिकल टॉपिक है जहां पर आपको बहुत से छोटे छोटे हिंट्स होंगे और क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसमें हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, किसी भी कंट्री के लिए पब्लिक फाइनेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, उससे इकोनॉमी को क्या हिंट्स मिलती हैं और क्या उसमें इनपुट्स होती हैं, ये हम इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस, इसमें हम मेजरली 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑफ कोर्स आप तो सब जानते होंगे कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमारी PRIs यानी पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनी थी, लोकल अर्बन बॉडीज। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनसे पब्लिक फाइनेंस के बहुत सारे प्रोविजंस निकल कर आए थे, तो ये हम पढ़ेंगे, ये आपका पब्लिक फाइनेंस एंड बजट का पार्ट हो गया। मूविंग ऑन, जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है LPG। बहुत टॉक्ड अबाउट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, प्रायः ये वर्ड सुनने को मिलता है और ये एक रेवोल्यूशन था इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमी, इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी रादर। तो LPG इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसके अंदर हम लोग फर्दर ये बेसिक्स तो हम पढ़ेंगे ही, इसमें हम इसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, कैसे चीजें शुरू हुई और कैसे उसने शेप लिया, इसकी इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे, इनका क्या वैश्विक और डोमेस्टिक बाजार में इनका क्या इम्पैक्ट हुआ जब से ये स्टार्ट हुआ। ये अराउंड 1991 इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये हम इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री ऑफ इम्पैक्ट्स बेसिकली LPG में हम पढ़ेंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें मैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन ये पता नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जब तैयार कर रहे हैं तो पूरी चारों तरफ से उसको सेफ करके तैयारी करें ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सो इंटरनेशनल ट्रेड हम पढ़ेंगे, इसमें हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स और जो डेफिनेशंस हैं और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो भी बता देंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम पढ़ेंगे, कैसे इसने इकोनॉमी को इफेक्ट किया और आगे भी करेगा वो भी हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गन्स में अगेन आपका IMF, UNO, WHO, ये सब हम करेंगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इसके अंदर 6, ओके, LPG के अंदर भी हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ये ब्रॉडली हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में 6 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब कुछ कोर सेक्टर्स आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर्स में मेनली सर्विस सेक्टर आता है। सर्विस सेक्टर में वेरी मेजर जो एक सेक्टर है वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो हम सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनको हम लाइटली देख लेंगे। प्राइमरी सेक्टर से ही ज्यादातर चीजें हैं, सेकेंडरी सेक्टर तो हम बैंकिंग में कवर कर ही रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। मूविंग ऑन, जो 5वां हमारा पार्ट है वो है HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसके अंदर हमारे 3 चैप्टर्स हैं, मेनली जो चैप्टर्स आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराऊंगी, पॉवर्टी,
यानी गरीबी, ये पॉवर्टी जो है, ये जो तीनों चैप्टर्स, ये एचआरडी जो है, ये हम दो लेवल्स पर करेंगे, इंडिया एंड झारखंड। इससे क्या होगा कि आपका कोर इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपका झारखंड इकोनॉमिक्स का पोर्शन भी कवर होता चलेगा। अगर आप देखें, ये तीनों इश्यूज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इंडियन इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और जो उनके इम्पैक्ट्स होंगे या फैक्टर्स होंगे, वो चीज़ें मोर और लेस सेम रहेंगी इंडिया और झारखंड दोनों के परिप्रेक्ष्य में। हाँ, झारखंड की इकोनॉमी में जहाँ जहाँ कुछ पर्टिकुलर टिपिकल चीज़ें आएंगी जो सिर्फ झारखंड के लिए स्पेशल हैं, वो मैं उस टॉपिक या उस पॉइंट को बताते वक्त आपको ज़रूर मेंशन कर दूंगी। पॉवर्टी, ऑब्वियसली पॉवर्टी, इसके रीजंस, इसके इम्पैक्ट्स, इसका रेमेडी, इसके जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एफर्ट्स ली गई हैं इसको इसको दूर हटाने के लिए या इसके इफेक्ट को एलेविएट करने के लिए, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सेम गोज विद अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में एक फैक्टर ये भी आएगा कि टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह के होते हैं, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो उस तरह के, उस पर्टिकुलर तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को अराइज करते हैं, और कैसे हम इससे रेमेडी ले सकते हैं। किसी भी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट को क्या टोटली हटाया जा सकता है, या फिर ये एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसका भी हम एक डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको मैंने पहले क्लास में बताया था, हर एक सब्जेक्ट पीसीएस के हिसाब से आपके दृष्टिकोण पर बहुत हद तक निर्भर करता है। किसी भी टॉपिक के फैक्ट्स तो होते ही हैं, लेकिन उसके बारे में आपके आइडियाज और व्यूज जो होते हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब आप अपने मेंस का आंसर लिखते हैं तो एक पार्ट उसका फैक्ट होता है और दूसरा पार्ट डेफिनेटली आप अपना दृष्टिकोण उसमें ऐड करेंगे, तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। इन आंसर्स में या इन टॉपिक्स में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या वुमेन रिलेटेड इश्यूज, इन सब में आपका दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जब आप बाद में पब्लिक सर्विस ऑफिसर्स बनते हैं, आप प्रशासन में जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का प्रशासन हो, ये चीजें हमेशा आपको इफेक्ट करती हैं। आप किस तरह के ऑफिसर हैं, आप किस तरह के मैनेजर बनते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स हैं। तो आपको, आप जब पब्लिक से डील कर रहे होते हो, ये चीजें आपको डे टू डे बेसिस में देखने को मिलेंगी, और तब आपको रियलाइज होगा कि ये रियल लाइफ में कैसे अफेक्ट करती हैं। इन चीजों के प्रति आपकी जो संवेदनशीलता है वो आपके कार्यशैली में झलकेंगी, और इसीलिए मेंस के आंसर में आपका दृष्टिकोण आना या आंसर शीट पे झलकना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका दृष्टिकोण जितना क्लियर और न्यूट्रल रहेगा, उतना ही आपको मार्क्स फेच होंगे। तो हम पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट दोनों में टाइप्स, फैक्टर्स, इम्पैक्ट्स, नेशनल पॉलिसी टू एलेविएट, ये सब हम करेंगे। वुमेन रिलेटेड इश्यूज में हम देखेंगे कि किस तरह के इश्यूज होते हैं। ऑफ कोर्स अगेन वुमेन रिलेटेड इश्यूज के साथ भी, जैसा मैं कह रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कमोबेश वैसा ही है। वुमेन रिलेटेड इश्यूज में भी ऑल ओवर द वर्ल्ड काफी सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कॉमन हैं। वो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में ले, या इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ले, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट के परिप्रेक्ष्य में ले, वुमेन रिलेटेड इश्यूज में कुछ इश्यूज जैसे डाउरी, जैसे फिजिकल सिक्योरिटी, जैसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज या लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहे तो, ये चीजें जैसे कि बहुत कॉमन है। कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं या पॉलिसीज हैं जिनसे गवर्नमेंट ने कोशिश की है इन वुमेन रिलेटेड इश्यूज को कम करने की, चाहे वो पब्लिक को मोटिवेट करके हो, एनकरेज करके हो, या फिर कहीं दंडात्मक
दृष्टिकोण अपनाते हुए किया हो, ताकि डरा के कम इन चीजों को कम किया जा सके, वो भी हम देखेंगे कि कैसे हुआ है। साथ ही मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी आंसर राइटिंग के टाइम पर कि आपको कैसे लिखना है, कैसे आपका स्ट्रक्चर ऑफ एन आंसर होगा टिपिकली, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच हो। जैसा कि मैंने बताया था कि हम कुछ फैक्ट लिखेंगे और कुछ हमारा दृष्टिकोण लिखेंगे, कहाँ पे एग्जैक्टली हम फैक्ट्स को प्लेस करें, कहाँ पे हमारा दृष्टिकोण प्लेस करें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ हमें से बहुत लोगों को ये भी डाउट आता है कि किसी भी आंसर को हम कैसे लिखें, क्या पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, क्या पॉइंट्स में लिखें, हमारी जो व्यूज हैं क्या हम न्यूट्रल हो जाएं तो बिल्कुल नो कमेंट्स वाली स्थिति में पहुंच जाए, या फिर हम कुछ कह सकते हैं। अगर हम अपने दृष्टिकोण को रख सकते हैं तो एग्जैक्टली कितना दूर तक जाना या कितनी दूर तक क्लियरली अपनी व्यूज रखना सेफ है, ये भी एक डाउट रहता है। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करते चलेंगे। ये जो टॉपिक्स हैं एचआरडी की, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स हैं और ये क्वेश्चंस फुल, इनमें से एक तो डेफिनेटली आता ही है, इनमें से फेवरेट नहीं निकाल सकते। ये लॉन्ग टर्म इश्यूज रही हैं इकोनॉमी में और ये थ्रू आउट, जैसा मैंने कहा, ग्लोबल, नेशनल और स्टेट वाइज भी इकोनॉमी अगर देखें तो ये जीडीपी को भी इफेक्ट करती रही है और ये हमेशा पेन एरियाज रही हैं। इनमें से हम फेवरेट नहीं निकाल सकते, इन तीनों को हम इक्वल फोकस के साथ पढ़ेंगे। अगर इसके लिए मल्टीपल क्लासेस की जरूरत पड़ी तो भी विल कवर दैट। ओके, मूविंग ऑन। सिक्स्थ और लास्ट पार्ट जो है उसको मैंने मिसलेनियस रखा है। मिसलेनियस के अंदर हमारे 6 चैप्टर्स आएंगी। नेशनल इनकम, हम देखेंगे कि इसमें फैक्टर्स क्या क्या है, कैसे कैलकुलेशन होती है नेशनल इनकम की, क्या क्या फॉर्मूले हैं, मैं उनमें आपको फॉर्मूलाज और उनकी डेरिवेशंस भी बताती जाऊंगी। डेरिवेशंस में हम ये देखेंगे कि कोई फॉर्मूला है तो उसको लॉजिकली हमने कैसे निकाला है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस कॉन्सेप्ट की वो बढ़ जाएगी। उससे रिलेटेड अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप इजिली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो वो एक मेरा पर्पस होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ यहां पर मैं बताऊं, ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ट्रिकी वर्ड्स हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट एक जैसा साउंड करते हैं पर ये है नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, नंबर्स, डेटा, परफॉर्मेंस। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस है, गुणवत्तापूर्ण। यहां पर डेवलपमेंट में जो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पिछले साल से 0.3 पर थे, इस साल हम 0.6 पे चले गए। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हम ग्रो हुए, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू हमने 0.3 से 0.3 मिलियन करोड़ इस साल, पिछले साल हमारा कलेक्शन था, इस साल हमारा 0.6 मिलियन करोड़ कलेक्शन है रेवेन्यू के हिसाब से। एक रैंडम में आपको एग्जांपल बता रही हूँ, उसमें बहुत ज्यादा नीटिग्रिटीज में मत जाइएगा, मैं सिर्फ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझाने के लिए कॉन्सेप्चुअल बात कह रही हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से हमारी ग्रोथ हुई 0.6 माइनस 0.3, दैट इज 0.3 मिलियन क्रॉस हमारा ग्रोथ हुआ रेवेन्यू में। जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तब एक और इसमें आयाम या डायमेंशन आएगा, जहां पे ये सवाल उठेगा कि ये 0.3 मिलियन जो हमने इंक्रीज की है रेवेन्यूज में, उसके पैरेलली अगर हम देखें, उसको साथ लेते हुए अगर हम चले, तो हमारा से फॉर एग्जाम्पल कितने परसेंट हमारे टैक्स पेयर्स जो हैं वो कंफर्टेबली अपना टैक्स पे कर पा रहे हैं। अगर हमने टैक्स स्लैब में बढ़ोतरी की है तो हमारा कितना परसेंट पॉपुलेशन इस टैक्स की बढ़ोतरी के साथ कंफर्टेबली जी पा रहा है। अगेन डेवलपमेंट में भी जब हम उन डायमेंशंस को चेक करते हैं, उन आयामों को देखते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो ऑब्वियस होती हैं, जैसे कि अगर टैक्स स्लैब बढ़ाया गया तो ये एक्सेप्टेड है कि
कोई भी खुश नहीं होगा। अगर आज मैं 10 रुपए टैक्स में पे कर रही हूँ और मेरा टैक्स लैब बढ़ के हमको 15 रुपए पे करना पड़ा, तो ये तो एक्सेप्टेड बात है कि मैं खुश नहीं हूँ। और तब डेवलपमेंट का एक आयाम अगर हम खुश होने पर रखेंगे तो डेफिनेटली सही पिक्चर हमारे सामने नहीं आएगी। बजाय इसके अगर हम ये रखें कि मैं जब 10 रुपए पे कर रही थी तब अपनी नॉर्मल जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है, फूडिंग, क्लोथिंग, शेल्टर, स्कूल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, एनुअल हॉलिडे, इन सबको अगर एफर्ट करते हुए मैं 10 रुपीज टैक्स दे पा रही थी, और इस साल जब टैक्स में इंक्रीज हुआ है और ये 15 रुपीज हुआ है, तो क्या ये 15 रुपीज जो टैक्स मैं पे कर रही हूँ उसके बाद भी ठीक है, एनुअल हॉलिडे ना मैनेज हो पाए, लेकिन क्या मेरी मेडिसिन बिल्स, मेरे ग्रोसरीज का बिल, मतलब मंथली राशन का बिल, क्या मेरी बिजली का बिल, मेरा मेरे बच्चों की स्कूलिंग, मेरा घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, क्या मैं उतना बेसिक कंफर्टेबली अफोर्ड कर पा रही हूँ? अगर हाँ, तो ये ग्रोथ के साथ साथ सही मायनों में डेवलपमेंट है, क्योंकि हम जो टैक्स पेइंग पब्लिक है उनको बहुत अनकंफर्टेबल किए बिना हमने हमारी टैक्स की इनकम बढ़ाई, और उस टैक्स की इनकम को हम वापस हमारी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लगाएंगे, जहां नई सड़कें बनेंगी, जो नॉन मोटरेबल रोड्स हैं, जहां ऐसे भी हर क्षेत्र जहां सड़कें नहीं हैं, गाड़ियों से लोग पहुंच नहीं पाते, वहां अगर गाड़ियों से जाने लायक रास्ता बन गया, मोटरेबल रोड्स बन गई उन टैक्स के पैसों से, तो वो बहुत सारे और लोगों को रोजगार, शिक्षा के और अवसर और नौकरी के अवसर दे पाएगा, और वो सही मायनों में डेवलपमेंट होगा। तो इस ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि हम ये समझें कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग टॉपिक्स हैं, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ग्रोथ और डेवलपमेंट इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में इंटरकनेक्टेड है। ग्रोथ तभी मीनिंगफुल है जब वो डेवलपमेंट को लीड करेगा, और डेवलपमेंट अगर मीनिंगफुल हुआ तो वो डेफिनेटली ग्रोथ भी ग्रोथ में रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये दो अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है, मतलब ये परिमाण, इसमें परिमाण और मेजरमेंट्स होती हैं, इसमें गुणवत्ता देखी जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को लीड करते हैं। ग्रोथ अगर सही मायनों में है तो डेवलपमेंट होगा ही, डेवलपमेंट अगर सही मायनों में है तो वो ग्रोथ को बूस्ट अप करेगा ही। ये चीजें हम और डिटेल में क्लास में देखेंगे। प्लानिंग के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। प्लानिंग कितने तरह की होती है, प्लानिंग के क्या कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इन सब में कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स होती हैं जो उनसे कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था, बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लाइक हॉट मनी, शॉर्ट टर्म मनी, हॉर्स ट्रेडिंग, फिशिंग, ये जो चीजें हैं, साइबर क्राइम, ये सब इनका पार्ट है, लेकिन ये हिडन पार्ट है, ये आपके सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं है अलग से, क्योंकि ऑब्वियसली हम छोटे बच्चे नहीं हैं। इट इज अंडरस्टूड कि अगर आप बैंकिंग पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं तो आपको वो चीजें भी पता होंगी। प्रैक्टिकली इतना समय आपके पास नहीं होगा कि आप उतना सारा इतने डिटेल में आप पढ़ने चले जाओ कि आपको वो चीजें ऑटोमेटिकली पता हो, क्योंकि अगर ये ही करने बैठे तो या तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ ये पार्ट वन ही हो पाएगा, या फिर सारे सब्जेक्ट्स में से सिर्फ पेपर 5 की पढ़ाई हो पाएगी, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसके लिए जब मैं ये इधर ये करेंगे कि जब हम चैप्टर्स करेंगे तो उनके अंत में मैं आपको एक दिन सारे 2 मार्क्स के जो भी प्रॉबेबल, जो मेरे हिसाब से टॉपिक्स हैं जो आपको जानना चाहिए, वो मैं मेंशन कर दूंगी और उनके आंसर्स भी आपको साथ में लिखवा दूंगी। अगर आपके कुछ इनपुट्स होंगे तो आप मुझे बताइएगा, हम एक एक्स्ट्रा क्लास में उसको भी कवर कर लेंगे। सो दिस इज अबाउट इट, ये हमारा ये 6 पार्ट्स हुई है।
हम हमारा जो अब हम हमारा सिलेबस स्टार्ट कर देंगे बिकॉज एनालिसिस हो गई है. आई होप आपके दिमाग से वो जो मेंटल ब्लॉक या डर था इकोनॉमिक्स का वो पहले हट गया होगा. मैंने दो क्लासेस और इतना समय ऑलमोस्ट एक घंटा प्लस का समय एनालिसिस में इसलिए लगाया क्योंकि ये कोर है आपके इकोनॉमिक्स का. अगर एक बार आपके मन से ये डर निकल गया कि हम इस इतना बड़ा सिलेबस है बट वी कैन कवर इट, तो आप डेफिनेटली कवर कर लेंगे. दूसरी बात है जेपीएससी के का जो नया सिलेबस आया है उसमें इकोनॉमिक्स गेम चेंजिंग सब्जेक्ट्स में से एक है. आप हारते हारते भी जीत सकते हैं अगर आपका इकोनॉमिक्स स्ट्रांग है. तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका मतलब आप किसी सब्जेक्ट को बहुत ही खराब लिखो और इकोनॉमिक्स से पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है. लेकिन इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द गेम चेंजर्स, तो इसको आप बहुत अच्छे से अगर कोर कर लेंगे, और ये एक ऐसा चीज है जो कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको बहुत ज्यादा बार बार इसको समय देने की जरूरत नहीं है. मैं कोशिश करूंगी कि इस तरह से पढ़ा दूं, एंड ऑफकोर्स हमारी क्लासेस इंटरैक्टिव रहेंगी, तो आपके डाउट्स और आपके जो इनपुट्स हैं वो सब हम साथ में लेते चलेंगे. तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा बार इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो दैट आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी फोकस कर सकेंगे. सो दिस इज अबाउट इट. हम हमारा जो पहला क्लास है वो शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग से, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से. तो ये हम शुरू करते हैं. एक ब्रीफ अगर मैं आपको दे दूं ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हम शुरुआत जब करेंगे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत एक्चुअली हुई है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद. सो दैट इज आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा. हम सभी जानते हैं इंडिपेंडेंस से पहले भारत की क्या दुर्दशा थी. हमारे ही देश में हमें एक कॉलोनी की तरह यूज किया गया. हमारे लोग अपनी ही संपत्ति पर बेगारों की तरह खटे. उन्हें ना पैसे दिए जाते थे, उनकी ही जमीन पर वो खेती करते थे लेकिन उन्हें कोई पैसे नहीं दिए जाते थे. तो बेसिकली अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था या इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडिपेंडेंस से पहले वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था. देयर वाज नो इंडियन इकोनॉमी इन एग्जिस्टेंस इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, विच मीन्स हम लोग इंडियन इकोनॉमी की जो स्टडी है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस ही स्टार्ट करेंगे. नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा को अगर हम देखें 15 अगस्त 1947 उस दिन या उस डेट की अगर बात करें, तो एट दैट पॉइंट ऑन दैट डे हालत ये थी कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था वो जीरो पे नहीं माइनस पे चल रहा था. हमने कोई डेवलपमेंट हमारी पर्सनल इंडियन इकोनॉमी की अगर हम पर्सनली बात करें तो उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था. बजाय डेवलपमेंट के ये भी हो गया कि हमारे पास जो हमारी अपनी वेल्थ थी, हमारी जो अपनी अपना एक ऐतिह्य था, हमारे पास पैसे थे, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, वो सारा इकोनॉमी भी ड्रेन हो गया. आई एम श्योर आपने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में सुना होगा, हम वो भी पढ़ेंगे इकोनॉमी में. तो अभी इस क्लास के लिए थोड़ा समय कम है, इसके लिए मैं आपको बेसिक्स समझा दे रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैं कोशिश करूंगी कि हम लोग उसको कवर करें. सो बेसिकली ये हुआ कि उस टाइम पे इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये पता चला कि हमारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास जो था वो भी हम माइनस में जा रहे हैं. सो बेसिकली उस वक्त फोकस ये था कि हमारा जो इकोनॉमी है वो पहले माइनस से जीरो पे आए और फिर पॉजिटिव की बात सोचेंगे. वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो था एक बैकलॉग्ड इकोनॉमी को स्टैंडर्ड इकोनॉमी में लाना. उस वक्त ये थॉट नहीं था कि हम डेवलपिंग कंट्री बन रहे हैं या अंडर डेवलप्ड है या हम उस रैट रेस में कहीं थे ही नहीं. तो पहला फोकस था एक स्टेबल ग्राउंड देना इंडियन इकोनॉमी को ताकि हम आगे बढ़ सके. अगेन जब मैं ये रनिंग लेक्चर्स में ये सब बातें कहती हूँ तो आप लोग चाहें तो कहीं पे स्क्रिबल कर लें इन चीजों को, क्योंकि जब आप आंसर लिखने जाते हैं तब आपके ये कॉन्सेप्ट और ये जो दृष्टिकोण है यही काम आता है. मेन आंसर में से आपको हार्डली 50% ही याद रहता है, ये एक फैक्ट है. आप किन्हीं भी जिन्होंने भी अपीयर किया हो कभी पीसीएस एग्जाम में आप उनसे डबल चेक कर लीजिएगा. सो
आप जब मैं ये रनिंग लेक्चर्स दूं, आप कहीं पे स्क्रिबल कर लें ये पॉइंट्स और इनके बारे में सोचें, इसके बारे में सोचें, अपने दृष्टिकोण को विकसित करें। और क्लासेस में ऑफ कोर्स वी वुड लव टू डिस्कस दिस, हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे इनपुट्स भी निकलेंगी। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम जब इंडिपेंडेंस का डॉन, जो पहला इंडिपेंडेंस का जो पहला पार्ट था, उसमें फोकस ये था, ड्रेन ऑफ वेल्थ टोटली हो चुका था और इंडियन इकोनॉमी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। इंडियन इकोनॉमी जी था, उसका बेसिक जो हम एक बेसिक वो कर लेते हैं यहां पर, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी जो थी वो हमारी, एक तो नेगेटिव स्टेट पे थी, सेकेंडली अनऑर्गेनाइज्ड थी। अनऑर्गेनाइज्ड इन द सेंस, जैसे आज हमारे पास इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, हमारा एक पार्ट था पार्ट फोर, जहां पे हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ने वाले, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये था कि उस वक्त हमारी इकोनॉमी, जैसा मैंने कहा, प्रैक्टिकली अगर हम इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से पढ़ें तो इकोनॉमी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड थी। कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, कोई डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं थी। कौन सी चीज इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रही है और कौन सी चीज इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रही है या इकोनॉमी से इंपैक्ट हो रही है, इन बातों के बारे में कोई चर्चा, कोई समझ, कोई आइडिया कुछ नहीं था। अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी होने की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक्चुअली किन चीज़ों पर, कौन से आधारभूत चीज़ों पर खड़ी है, हमारी इकोनॉमी का असर किन पे पड़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को सुधारने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तीसरा जो था, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज्ड था इसलिए ऑफ कोर्स ये इकोनॉमी अनस्ट्रक्चर्ड भी थी। देयर वाज नो स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन द बिगिनिंग। अनस्ट्रक्चर्ड इन द सेंस, ऑफ कोर्स कोई सेक्टर्स में डिवाइडेड नहीं था जैसा कि आज है। हमारे पास, हमें पता नहीं था कि हमारी इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जब मैं कह रही हूँ, इसका मतलब ये है कि हम क्या एग्रीकल्चर पहले कर लें या फिर हम इंडस्ट्रीज बैठा लें या फिर कुछ नहीं करें, सिर्फ शिक्षा पे ध्यान दें, क्योंकि शिक्षा तो रोज़गार देती है, लेकिन रोज़गार आएगा कहाँ से अगर आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है। तो ये हमेशा ये एक चीज दूसरी चीज को लीड करती जाएंगी और अनस्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। आज जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी है, अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी के बारे में सोचें, तो स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी में हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है और टर्शियरी सेक्टर है। आपके पीटी का एक क्वेश्चन होगा यूजुअली कि हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है। इन द सेंस, जब हमारी जीडीपी निकलती है तो ईयर ऑन ईयर हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है, दैट इज टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में हमारी
सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा आउटपुट या रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से जीडीपी पे इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज पर हम अगर हम एक इकोनॉमी में हैं और हम सेक्टर्स को जानते हैं, तभी हम समझ पाएंगे कि किस सेक्टर में कितना इनपुट देना है ताकि हमारी जीडीपी बढ़ सके। प्राइमरी सेक्टर में कोर सेक्टर्स हैं, कोर सेक्टर्स इन द सेंस प्राइमरी सेक्टर में हमारा एग्रीकल्चर है, हमारा एजुकेशन है, अगर यहाँ पे हमारी यूटिलिटीज है। जब हम यूटिलिटीज है मतलब बिजली पानी, जो बेसिक जीवन यापन के लिए जरूरी है, आजकल हो गए हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीजें हैं जिनके बिना लाइफ चल नहीं सकती। एक वेलफेयर और एक आइडियल स्टेट के लिए ये जरूरी, एक आदर्श राज्य को एग्रीकल्चर, एजुकेशन या प्राइमरी सेक्टर की जरूरत है। लेकिन ये हमेशा जीडीपी में टॉप कंट्रीब्यूटर्स नहीं है। इसका मतलब है कि ये समझने के लिए कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के जो हमारे जीडीपी को तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हमने उसमें जीडीपी का कुछ हिस्सा नहीं डाला या कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो जो सेक्टर्स हैं, वो जो एरियाज हैं, वो नीचे आएंगी और इसके साथ ही आपका जो इकोनॉमी है उसकी गुणवत्ता भी नीचे आती जाएगी। तो ये सब जानने के लिए ये जरूरी है कि एक इकोनॉमी का स्ट्रक्चर हो, ताकि हम उसकी इंटर रिलेशन समझ सके, ये समझ सके कि हमें किस स्ट्रक्चर, किस पार्ट में कितना डालना है, उसका इम्पैक्ट हमें कहां से मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कोई सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हो सकता है ये इन सेक्टर्स को आप सामने से देखें, प्राइमर फेसिस जिसको कहते हैं, अगर आप सामने से देखें तो हो सकता है कि इनमें कहीं भी आपको ये ना पता चले कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल इनमें 10 मिलियन रुपीज लगा दिए, तो क्या ये हमें 5 मिलियन भी वापस दे सकेगा? वी डोंट नो, क्योंकि एग्रीकल्चर अगेन डिपेंडेंट ऑन सीजन है, इसकी आउटपुट्स वेरी करती हैं, वी डोंट नो कि ये हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा या नहीं। एडुकेशन हाइजीन सेक्टर है, हाइजीन जब हम कहें तो हाइजीन अगेन हाथ धोना नहाना वाला हाइजीन नहीं है, उसको पर्सनल हाइजीन कहते हैं। एडुकेशन, हेल्थ, ये सब जो चीज़ें हैं ये हाइजीन सेक्टर्स हैं। मतलब कि ये जब तक है इकोनॉमी में तब तक बहुत अच्छा, किसी को पता नहीं चलता कि ये हमें क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन द मोमेंट ये इकोनॉमी से बाहर चली गई, इकोनॉमी पूरा कोलैप्स कर जाएगा या क्रैश कर जाएगा। इसीलिए एग्री, एडुकेशन, हेल्थ, यूटिलिटीज, ये सब जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। सो यस, अगेन ये हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट फोर में। तो बेसिकली ये अनस्ट्रक्चर्ड था, तो आगे बढ़ने के लिए ये बेसिकली चैलेंजेस हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में थी। ऑफ कोर्स कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई इकोनॉमिक हमारे पास पॉलिसी नहीं थी, और हमारी इंडियन इकोनॉमी अनस्टेबल भी थी। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी को दर्शाती थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इनिशियल एरा में। तो ऑफ कोर्स आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और हम नेचर ऑफ इकोनॉमी भी पढ़ेंगे, ओरिजिन के बारे में कुछ और बातें करेंगे, और फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग में मूव ऑन करेंगे। थैंक यू।